चाट, नाम सुनते ही क्या आपके मुंह में भी पानी आ गया? बाजार जैसी चाट का मजा आप घर में भी ले सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखें। और आपको सबसे पहले मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आप एक कप सफेद मटर ले लें और उसे रात भर या 7 से 8 घंटे भीगने के लिए छोड़ दें। ये देखिए, ये मटर अच्छे से भीग चुके हैं। आप इसका पानी निकाल दें और उसे कुकर में डाल दें। कुकर में फिर आप डाल दें 3 से 3.5 कप पानी, या फिर बस इतना ही पानी आप डालें कि उसमें मटर जो है वो अच्छे से डूब जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पानी आप मटर में मत डालिएगा और याद रखिएगा कि आप सफ़ेद वाले मटर ही यूज़ करिएगा, हरे मटर आप इसमें बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर आप इसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच नमक और इसे मध्यम आँच पर मीडियम फ्लेम में आप 3 से 4 सीटी तक अच्छे से पका लें। अगर उसके बाद भी मटर ना पके तो आप उसमें 1 सीटी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये देखिए मटर कितने अच्छे से इसमें गल चुके हैं। मसाले के लिए आपको बिल्कुल बेसिक सामान ही चाहिए। उसके लिए आप ले लें 3 मीडियम टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम आकार का प्याज, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर। सूखे मसाले में आप ले लें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच आप कश्मीरी मिर्च का पाउडर लीजिए कलर के लिए। 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर। मैंने यहाँ 2 मीडियम आलू लेकर उसे अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चाट बनाना। तो कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें 4 से 5 चम्मच तेल डाल दें। तेल को अच्छा गर्म होने दें। यहाँ तेल में पहले ज्यादा इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो हम अच्छे से भून सकें, क्योंकि चाट में अगर मसाला कच्चा रह गया तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो पहले गरम तेल में आप डाल दें जीरा। तो जीरा को पहले आप चटकने दें, मतलब अच्छे से क्रैकल होने दें, बस उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हींग। चाट में आप हींग जरूर डालिएगा क्योंकि उससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि चाट का नाम चाट क्यों रखा गया? क्योंकि लोग इसे बहुत ही चटकारे लेकर खाते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया चाट। हमारे घर में भी चाट सबको बहुत ही पसंद है, तो हम मोस्टली महीने में 1 या 2 बार इसे बनाकर जरूर खाते हैं, क्योंकि लंदन में स्ट्रीट फूड ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम प्रेफर करते हैं हम घर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हेल्दी बनाकर खाएं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है कटे हुए प्याज। प्याज आप रफली चॉप कर सकते हैं और प्याज को आप 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लें ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से प्याज जो है वो थोड़े से नरम हो चुके हैं। फिर आप उसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप कभी भी तेल में पहले मत डालिएगा, नहीं तो वो कढ़ाई में चिपक भी जाता है और जल जाता है। तो जब प्याज थोड़े से भून जाए उसके बाद ही आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। और जब अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए, वो करने में आपको 1 से 2 मिनट ही लगेगा। ये देखिए अदरक लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तब आप उसमें डाल दीजिए रफली कट टमाटोस, मतलब टमाटर। वैसे आप इसमें बारीक कट करके भी टमाटर डाल सकते हैं। मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में करके डाला है क्योंकि हमें टमाटर को अच्छे से अब गलाना है। तो टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए आप इसमें डाल दें अपने स्वाद के अनुसार नमक। याद रखिएगा कि जो मटर थे उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालिएगा। तो आप ये वीडियो किस कंट्री और किस स्टेट से देख रहे हैं ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे देखकर बहुत ही खुशी होती है कि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम चाट पे। तो चाट में जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं, तब आप उसमें डाल दें पूरे सूखे हुए मसाले। मसाले डालने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो जो मसाले हैं वो अच्छे से भूंज भी जाएंगे, उसका फ्लेवर चाट में बहुत अच्छा आएगा। तो इसे आप ढक कर थोड़ी देर पकने दें और ये करने में आपको करीबन 10 मिनट लगेगा। और ये देखिए जो टमाटर और प्याज है, जो मसाला है, उसमें से कितना अच्छा तेल अलग हो रहा है और कश्मीरी मिर्च की वजह से इसमें कितना अच्छा कलर आया है। फिर आप इसमें डाल दें उबले हुए आलू। कश्मीरी मिर्च की वजह से जो भी रेसिपी या जो भी डिश होती है उसका कलर ही एकदम से चेंज हो जाता है, वो दिखने में बहुत अच्छी टेम्पटिंग लगती है। तो आप अपने पास कश्मीरी मिर्च रखिएगा। मोस्टली मैं अपने रेसिपीज में कश्मीरी मिर्च यूज करती हूँ। और आलू और मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसमें डाल दें उबले हुए मटर। देखिए जो मटर है वो अच्छे से पक चुके हैं
और मटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर उबालते वक्त आप उसमें नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही वक्त होता है जब मटर में अंदर तक जो नमक है उसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए, आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें मसाले के साथ, अच्छे से मिक्स होना चाहिए ताकि जो ये मटर है उसमें मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो अगर आपको कुछ तीखा और चटपटा सब्जी बनाना है तो आप इसे एज ए सब्जी भी खा सकते हैं। जब लॉकडाउन के समय हमारे पास कुछ सब्जियां नहीं होती थी तो हम इसे एज ए सब्जी भी बनाकर खाते थे। आप इसे गर्मा गर्म पूरी और पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, अभी तो हम बना रहे हैं चाट। तो चाट नॉर्मली इतनी गाढ़ी नहीं होती है, तो इसमें आप डाल दें 1 कटोरी पानी। आप इसमें उबला हुआ पानी या फिर जो नॉर्मल पानी आता है आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर आप इसे अच्छे से उबलने दें। ये देखिए, जैसे ये उबले आप उसमें डाल दें गरम मसाला। तो गरम मसाला आप इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही इन्हेंस होता है, मतलब बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि जब ये उबल रहा हो तभी आप इसमें गरम मसाला डालें। और गरम मसाला डालने के बाद आप इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ धनिया। तो जो चाट है वो तो मुझे गर्मा गर्म ही पसंद है, तो आप इसे गर्मा गर्म ही परोसें। तो चलिए, इसे हम सर्व करते हैं एक बहुत ही अच्छे प्लेट में। तो आप चाट में डाल दें 2 से 3 चम्मच दही। आप इसमें याद रखिएगा कि घर का जमा हुआ पतला दही मत डालिएगा, नहीं तो दही अलग और चाट अलग हो जाएगा। तो आप इसमें अच्छा गाढ़ा दही ही डालिएगा। फिर आप इसमें डाल दीजिए इमली की खट्टी मीठी चटनी। आपके पास अगर हरी चटनी हो धनिया और हरी मिर्च की तो वो भी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। मेरे पास जो चाट मसाला है वो ख़त्म हो गया था, तो आप इसमें चाट मसाला डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो। ना हो तो आप मार्केट से खरीद के ज़रूर डालिएगा। फिर आप इसमें डाल दीजिएगा बारीक सेव। अगर आपके पास बारीक सेव ना हुआ लॉकडाउन के चक्कर में, या फिर जो इंडियंस हैं मेरे यहाँ जिनको ये सब इंडियन स्टोर में मिलता है, तो आप इसमें जो चिप्स होते हैं वो चिप्स को अच्छे से क्रश करके भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर आप इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ धनिया। और अब मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और फटाफट आप ये चाट गर्मा गर्म खाएं। और मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, ज़रूर सब्सक्राइब करें।